मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। गंज के अंदर पिछले 3 महीने से बाइक चोरी की, नकबजनी और चेन स्नैचिंग की एक एक्टिव थी, जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से थाना किशनगंज की जो टीम थी वो SP सर के निर्देशन के अंदर बनाई हुई थी और वो काम कर रहे थे। उसको बड़ी सफलता जो है वो आज मिली जब इन्होंने एक गैंग जो है जिसके 5 सदस्यों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। इन्होंने 14 वारदातें कुल कबूली हैं, उनमें से 5 वारदातें तो हैं चेन स्नैचिंग की, जो कि आपके रमज़ान मोटर, केशव नगर, ईदगाह, अभियंता नगर और सत्यम पैलेस वैशाली नगर की हैं। इसके बाद 3 इनके वाहन चोरी की वारदातें इन्होंने कबूली हैं, जिसके अंदर CSA मॉल के पास से गणेश चतुर्थी के दिन जनता कॉलोनी से और वापस से 18 तारीख को जनता कॉलोनी की एक वारदात है। और 5 नकबजनियाँ इन्होंने कबूली हैं, जिसके अंदर से अभी रिसेंटली मोबाइल की दुकान में जो दूसरी बार चोरी हुई थी उनमें से एक वारदात इनके द्वारा कारित की गई है, जो इन्होंने अभी कबूला है। कुल 5 जने जो यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं शंकर, रमज़ान, करण, शैतान और सुनील रावत। ये सारे ईदगाह और इसके आसपास के रहने वाले लोग हैं, सारे किशनगंज के लोकल 5 लड़के हैं। बाकी पूछताछ और बाकी जो तफ्तीश है वो अभी आगे जा रही है, प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तो कोई इनका रिकॉर्ड वगैरह सब संलग्न किया जा रहा है और बरामदगी की पूरी कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि सबके अंदर हमारे को रिकवरी होगी।